Hello, my name is Ashu. Hello, I am Paras. Hello, I am Abhitosh. जैसे आप देख रहे हो कि हम बड़ौदा बैंक के बाहर खड़े हैं, हम यहाँ पे डीएवी स्कूल से सर्वे करने आए हैं। तो आप सब जानते हैं कि जब जैसे ही मोदी ने यहाँ पर नोटबंदी कर दी थी तो यहाँ पर हड़बड़ी मच गई थी। तो अब ये यहाँ पर हम देख रहे हैं भीड़ देखते ही हमें स्कूल वालों ने कार ला दी प्रचार वर्क करना है, तो हम यहाँ पर सर्वे करने आए हैं। देख जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को चाय बांटी जा रही है। ये लोग बेचारे सवेरे के लाइनों में खड़े हैं अपने कैश के लिए। हो रहा है, सही हो रहा है, लेकिन परेशानी बढ़ी है। परेशानी वैसे कैसी परेशानी आप क्या बताना चाहोगे, कैसी कैसी परेशानी हो रही है? पैसे निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, कैसी प्रॉब्लम हो रही है आपको? हमारा प्रॉब्लम है घड़े दुख हो रहे हैं। अंकल जी, आप क्या बताना चाहेंगे, कैसे कैसे मुसीबतें आ रही है? 9 बजे से खड़े हैं। क्या ये सही है जो पीएम ने करा है? पीएम ने तो बिल्कुल सही किया है, सही करा है लोगों ने। आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है? आपको क्या क्या दिक्कत आ रही है इससे? हमें क्या पैसा निकालने में दिक्कत हो रहा है, पैसे निकालने में दिक्कत हो रही है। नहीं मिल रहा कुछ, एटीएम में नहीं मिल रहा। ओके, अच्छा अंकल जी, आप क्या बताना चाहोगे कि जो मोदी जी ने करा है कि ये सही है या गलत है? सही है। सही है, कैसे सही है? आप कब से लाइन में खड़े हैं इसलिए सही है? आप कब से लाइन में खड़े हैं? आपको क्या सुबह से 9 बजे से सुबह 9 बजे से खड़े हैं और आपको दिक्कत आ रही है कि भाई अब तक अंदर नहीं जा पा रहे, इसे कैश लेता है इसलिए? मतलब कि आपको दुखी हो या सुख? दोनों है, सुख भी और दुख। सुख और दुख, अभी के लिए दुखी है, बाकी के लिए आगे के लिए। अच्छा अंकल जी, आप बताओ। अंकल जी, चाय जान, हम तो जो है हाँ जी अपना दिहाड़ी छोड़ के आए हैं। अच्छा, दिहाड़ी तो गए 12 बजे तक लेके खड़े हैं, 4 बज गया, अभी तक मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई पता नहीं। अच्छा, और क्या पैसे का वो अकाउंट में डाल दिए, आप खर्चा करने की दिक्कत नहीं? दिक्कत आ रही है, पैसे ना मिल रहा है। अच्छा अंकल जी, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, जो मोदी जी ने करा वो सही है या गलत है? यह तो सही है, लेकिन प्लानिंग थोड़ा कम, बिल्कुल। लेकिन मैं 3 दिन से घूम रहा हूँ, मेरे को पैसे नहीं मिले टीम में, जब भी किसी टीम में जा रहा हूँ फिर भी पैसे खाता हूँ। आप क्या कहना चाहोगे इसके पीछे? अरे मैं तुम्हें कहना चाहूँगा, मैं तुम पीछे चंपा भाई, मोदी जी जिंदाबाद भाई, मोदी भाई जिंदाबाद भाई, मोदी भाई जिंदाबाद। आप जैसे ये देश में करेंसी चेंज हुई है, इसके आप पीछे क्या कहना चाहोगे? आप सामने देखो, आज मुझे ऐसी जैसी हो रही है और कुछ नहीं, आदमी मर रहे हैं। अच्छा, तो आप मोदी के साथ हो या उनसे खिलाफ हो? क्या कह सकते हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। अब जैसे आपका इस अकाउंट में, इस बैंक में अकाउंट है, अब इसमें बहुत भीड़ लगी हुई है, आप किसी बैंक में जाएंगे इतनी भीड़ है, तो आपको बहुत परेशानी हो रही होगी, ये तो हमें भी दिख रहा है परेशानी हो रही है। तो आप इसके साथ कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप बता सकते हैं? जैसा कि अच्छा ही किया होगा, हमें क्या पता अगले ने कुछ वो समझ के अच्छा ही किया होगा। अच्छा, आप क्या सिस्टम में क्या चेंज चाहते हो, क्या होना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ देनी चाहिए इनको? फैसिलिटी जो होगी अच्छी होगी। नहीं, मोदी को क्या करना चाहिए इस भीड़ को हटाने के लिए? मीन्स की ये लाइनें लग रही है इतनी दूर दूर तक, बंदे तंग हो रहे हैं, अपनी घर छोड़ के आ रहे हैं, जो अपना गाड़ी छोड़ के आ रहे हैं, और खासकर अब तो कहते नहीं हो पा रहा है जो, क्या अपना काम छोड़ के आ रहे हैं जो, आप क्या कहना चाहोगे? इसकी वजह से लोग तो परेशान है ही, पर काम अच्छा हो रहा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू यार। अंकल जी, आप जैसे एटीएम बंद पड़े हैं तो आप क्या कहना चाहोगे कि सिस्टम में क्या कहाँ कमी आ रही है? भाई इंजीनियर पढ़ रहे हैं हमने, बेरा पैकेट कमी आ रही है हमने बेरा। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज जैसे पीएम मोदी जी ने हमारे करेंसी चेंज करी है, तो उसके इफेक्ट और कॉजेज बता दो। इफेक्ट तो सारे हो गए, बहुत बढ़िया काम करा है।
वीजा पीएम नहीं आऊंगा कोई भी। आपको दिक्कत भी आ रही है, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप बताओ। खड़े खड़े दो घंटे हो गए चाय पी ली, दोबारा नंबर आना हो रहा है। नंबर आने वाला। अच्छा तो आप आगे क्या सिस्टम सिस्टम में क्या चेंज चाहते हो? जो करियो चाल लगानू हम चाल लेंगे भाई। जैसे आप यहाँ देख रहे हो रिपोर्टर से लड़ाई हो चुकी है। एक तरफ तो वैसा ही भी होया, अरे एक तरफ तो बिल्कुल गलत होया ही हो। हम चार दिन हो गए लाइन में खड़े, हमारे पीपे में चून भी नहीं है। जाकर देख सुबह 7 बजे मेरे सारे को घूम आए, हमारा कुछ फायदा नहीं हो रहा है। आप देख ले क्या हाल हो रहा है। तो आप मोदी के साथ नहीं हो इसका मतलब? हम मोदी के साथ भी है क्योंकि नट टकर हम मोदी के साथ नहीं, पर मोदी ने सुविधा करी कम से कम नू तक तब गरीब आदमी के लिए पैसे भेजो। इन जो बैंक में जावा जिनकी बड़ी पोस है वो अपना मिल मिल का पीछे लिया हुआ, हमने क्या मिल रहा है? अच्छा क्या मिल रहा है? आप क्या चाहते हो मोदी से कि क्या होना चाहिए आगे इसमें? मोदी से हम ये चाहो गरीबों के साथ हो, गरीबों को ये तो आंख भाई इनको भी कुछ मिला है, अमीर अमीर आदमी को क्यों दे रहा तू, गरीबों को भी दे कुछ। तो मैम आप मोदी जी ने इसीलिए तो करा है कि अमीरों से कहते गरीबों को मिल पाए, ये तभी तो रिच चीज है। आप इस चीज से सोच रहे सबको, जैसे गरीब आदमी को तो बाहर बोल देते हैं कैश खत्म हो गया ठीक है, और जो जान पहचान के बड़े बड़े आदमी उनको बैग के बैग अंदर ले जाकर बदले जा रहे हैं नोट, ऐसा क्यों है? फिर गरीब कहाँ जाएंगे भाई? हमारी तो जान पहचान भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे ये बताओ। तो ठीक है आप आगे क्या चाहते हो कि हाँ अब क्या होना चाहिए? करेंसी चेंज होगी या मीनसी दो जो भी हुआ, आप आगे क्या चाहोगे क्या होना चाहिए? हमें आगे चाहे नोट तो पैसे का नए चल ले जाओ, मतलब थोड़ा गरीबों को पैसा मिलना चाहिए, अमीर अमीरों को नहीं। जिनकी जान पहचान जहाँ बैंक में खड़े हो जाओ पैसे लिया, हम किसके द्वारा जाओ, हमारा कौन जानने वाला बटा दे। कैसी कैसी दिक्कत आई अभी तक जो देखने को मिली है आपको अभी तक? दिक्कत 8 दिन हो गए, दिक्कत है तो आज बिना भाड़े के हम धूप सिंह नगर तक यहाँ तक पैदल आए, सुबह 7 बजे के खड़े। आप जैसे सुबह के यहाँ खड़े हो, सुबह के खड़े हो गए, सुबह के खड़े हो तो आपको अंदर लाइन में जाने नहीं दिया जा रहा? जाने नहीं दो, देखो नहीं ऊपर लड़ाई बाज रही बाढ़ तक यहाँ सैली पर चोट भी लग गया। तो आप तो लेडीज हो, आप तो जा सकते हो अंदर, आप क्यों नहीं जा पा रहे? देखो ऊपर बाढ़ पड़न ना हो रहा हमारे। हे फ्रेंड्स, आज संडे का दिन है और आज हम फिर आए हैं एक स्कूल की तरफ से सर्वे करने के लिए। आज एक नई चीज़ देखने को मिली है पानीपत में, आज सिर्फ एक ही एटीएम खुला हुआ है। आओ आपको दिखाते हैं आज क्या दिखते हुई है, आज कुछ ज़्यादा ही दिखते हो रही है लोगों को, चलो दिखाते हैं। जैसे देख सकते हो कि आज बहुत हम आए स्टेट बैंक में, यहाँ पे लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी पड़ी है। अभी तो क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? आज हमने देखा पूरे पानीपत में पूरे एक भी एटीएम नहीं खुला, सिर्फ एक ही एटीएम खुला पूरे पानीपत में, देख के आए हैं पूरा। अब यहाँ भीड़ भीड़ लोग आई जा रहे हैं, लोगों की बहुत धक्का मुक्की भी हो रही है सबके बीच में, यहाँ पे लोग गुस्से में भी आ रहे हैं कि हमारा नंबर नहीं आ रहा। जो अभी लाइन में खड़े हो अभी तक, आप इतने दिनों से खड़े हो, क्या दिक्कत आई आपको? कोई दिक्कत नहीं आई? मोदी जी सही कर रहे हैं बिल्कुल, कैसे क्या सोचते हो कि आप अच्छा काम किया, कैसे और क्या करना चाहिए? अच्छा काम किया ये तो बहुत अच्छा किया, काला धन निकलने लग रहा है। जो लोग 5000 के नोट दिए, 100 के नोट बंद करने चाहिए और क्यों करने चाहिए तो बता दो। अच्छा आपको क्या लगता है, करप्शन कम होगी या नहीं होगी? करप्शन तो खत्म होगी जी, लेकिन एक दिक्कत है, हर एटीएम को चालू करना चाहिए और सबको स्पेशली रूप से पैसा मिलना चाहिए। अच्छा आप किस टाइम से खड़े हो यहाँ पे? हम यहाँ 1 बजे से खड़े हुए हैं, लेकिन अभी हमारा नंबर नहीं आया है और एक बार कैश खत्म हो चुका है, दोबारा कैश डाला जा रहा है। अच्छा है, अच्छी चीज़ की है मोदी जी ने, इससे काला धन निकलेगा लोगों का और जो गरीब आदमी है उनको बढ़ावा दिया है मोदी जी ने, इससे एक अच्छा देश बन के तैयार होगा। ठीक है, आपको ऐसे क्या दिक्कत आ रही है, मीन्स आप क्या काम करते हो उसमें क्या दिक्कत आ रही है इसके बारे में जो आप लाइन में लगे हो? सर ये थोड़ी बहुत दिक्कत है, बट जैसे बच्चों को फीस देनी है, आप कोई फीस नहीं ले रहा है, जैसे करेंसी देनी जा रही है, ठीक है,
लोग बटवाने के लिए बैंकों में जमा कराने जा रहे हैं या तो वहाँ कैश नहीं है। हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ लाइन में लग रहे हैं, आप देख सकते हो क्या बुरा हाल है यहाँ के। आपको क्या लगता है इससे आके देश में कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क क्या, बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे, ठीक है। बाकी ये सारे जितने भी काले धन वाले हैं ना, उनके लिए सब बिल्कुल अच्छा किया है मोदी जी ने। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है करप्शन खत्म होएगा देश में? जो करेंसी चेंज हुई है उन्हें किए, मोदी ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें किए। अच्छा, अगर करप्शन चेंज नहीं हुआ तो आप क्या सोचते हो कि आगे क्या एक्शन लेना चाहिए? तो करप्शन ना खत्म हुआ तो जी खत्म होएगा। अरे नहीं, कैसे बता रहे हैं क्या उसमें करप्शन नहीं होएगा? ब्लैक मनी तो वापसी भी आ सकती है अंकल, ऐसे तो है नहीं। तो ब्लैक मनी आएगी तो आप क्या एक्शन, आप क्या चाहते हो मोदी क्या एक्शन ले आपके अगर दोबारा से आती है ब्लैक मनी तो? सारे नहीं आएगी। ठीक है, हाँ जी आएगी नहीं दोबारा आएगी नहीं भैया, आप क्या कहना चाहोगे? हाँ जी, हाँ जी, कुछ बैंकों में ऐसा हो रहा है कि 1,00,000 देकर 90,000 मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा, 1,00,000 देकर 90,000 मिल रहे हैं। अच्छा, वो तो सर 40% लगाया था ना, वो तो 40% कहाँ गया था पहले इनकम टैक्स? कल मैं बैंक में गया था, ठीक है, पैसे लेने के लिए। हाँ जी, तो वहाँ पर कह रहे हैं जिसके पास 1,00,000 रुपए हैं, हाँ जी, उनको सिर्फ 90,000 ही मिलेगा, ठीक है, 10,000 लेस हो गए। ऐसा कौन सा बैंक कर रहा है? कौन सा बैंक कर रहा है ये बताओ यार, कल मेरे पर नाम आया। अच्छा, नहीं आता, नहीं आता कोई नहीं, चलो और से पूछते हैं। अरे भैया, आप क्या कहना चाहोगे जो मोदी जी ने करा वो ठीक है या गलत है? अभी सही है, लेकिन 2 दिन करेंसी चेंज करना चाहिए और 4 दिन पैसे कल। मतलब आपको कहना, मतलब 2,000 नोट गलत है या सही है? गलत है जी। गलत है, जो ऐसा क्या हो गया है? 2,000 1,000 का बड़ा होता है या 2,000 का? 2,000 का उससे बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ सकती है। नहीं, आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो? हाँ, आप क्या गलत है? गलत है। तो कौन से नोट निकालना चाहिए मुझे? 500 रुपये का। 500 का उससे ऊपर का नोट आना चाहिए। चलो भैया, आप क्या कहना चाहोगे? आपके फ्रेंड हो इसके लिए करप्शन के लिए सबसे अच्छा स्टेप लिया है मोदी जी ने। लेकिन क्या है, हमारे बहुत जो स्टूडेंट हैं हम यहाँ से दूसरे स्टेट से आते हैं, यहाँ पे तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो आप यहाँ पे कहाँ पे कॉलेज पढ़ते हो? हमें हम फाइव कॉलेज में। अच्छा अच्छा, तो भैया आप क्या कहना चाहोगे, मोदी जी ने गलत करा है सही करा है? अच्छा, कुछ दिखते बताओ अपनी, कुछ देखने को मिली हो अभी तक, आप अपनी नहीं औरों को भी बता सकते हो कि अब तक क्या देखने को मिली आपको दिखते? बस सारे पानी बताइए कि आई टी एम खुला है बस। अच्छा, एक ही आई खुला हुआ है पूरे पानीपत में? अच्छा, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? चेंज तो अवेलेबल रखना चाहिए। अच्छा, सिस्टम में कोई चेंज चाहते हो? थैंक यू भैया। आप तो सीनियर हो, यहाँ पे लाइन अलग बननी चाहिए आपको, आप क्या कहोगे? भाई यहाँ लाइन तो अलग बनती है नहीं। अच्छा, फिर आप क्या चाहते हो कि कैसे होनी चाहिए अलग लाइन? तो लाइन होनी चाहिए सीनियर सिटीजन। अच्छा, क्योंकि अब हमारा मान यहाँ तक दे रखी है गवर्नमेंट, तो क्यों नहीं मिलती है? अच्छा, तो फिर आप क्या कहना चाहोगे, आज पानीपत में एक एटीएम खुला हुआ है, इसके पीछे क्या कहना चाहोगे आप? भाई हम तो रोज़ दुखी होकर जा रहे हैं, हम तो आपके रोज लाइन में खड़े होकर जा रहे हैं। अच्छा, अंकल जी आप क्या कह रहे हैं, सही करा है गलत करा है? जो करा है सही किया मोदी जी ने, सही करा है। अच्छा, और क्या करना चाहिए आगे इनको? आगे भी प्रॉपर्टी के ऊपर करेंगे। अच्छा, प्रॉपर्टी पे? अच्छा, करेंगे। अब इससे आपको क्या लगता है, करप्शन पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ रहा है, पड़ेगा कि पड़ रहा है आगे? और कुछ अब क्या मतलब दिक्कतें वगैरह आपकी? दिक्कत तो कोई नहीं है, दिक्कत क्या है, लाइन में लगना पड़ा, ये दिक्कत और क्या है? टाइम सुधार करते हैं और क्या, हुआ तो सुधार करते हैं इनका। अच्छा, आपके लिए 2,000 के नोट सही है या गलत है? ये 2,000 के नोट निकलने चाहिए या नहीं निकलने चाहिए? गलत है। क्या कर रहे हो? गलत है। कैसे गलत है, क्या होता है? उसका वो 2,000 का नोट जब दुकान में जाएगा बोला खुला लेके आओ तब सामान मिलेगा, तो हम कहाँ से खुला लेके आएंगे भाई? इसीलिए गलत है ये कि जहाँ अपने यहीं पे भी जाओ वही खुला के बारे में बोले। आपके हिसाब से क्या चेंज आना चाहिए अंकल जी इसमें? 2,000 के नोट के साथ 500 के नोट जरूरी थे। अच्छा, जब वो नहीं मिल रहे तो फिर कैसे काम चलेगा? पहले 500 के नोट निकालने चाहिए थे, 2,000 के पहले 500 के निकालने चाहिए थे। चलो ठीक है।